वचन देंगे, आपके बड़ी बड़ी तकरीरें करेंगे, जर्रे आपके सियासतदान वजीर आला गवर्नर इंसान नहीं समझते, चूज है समझते, चूज है जानवर समझते हैं, और खुद इतना खाते खुद जानवर बने, पूरे पहाड़ बेच के खाया, इनका पेट नहीं भरा है। गिलगित-बल्तिस्तान का रकबा, गिलगित-बल्तिस्तान का रकबा और केपीके का रकबा एक 72,971 किलोमीटर हमसे काट काट के कोई केपीके को देखे, कोई उसको देखे, वो क्यों हम तहरीक नहीं जीत सके, उसमें ख्वातीन की शिराकत कम है। ख्वातीन अमली तौर पे खड़ी हो तो हम केपीके को भी बता सकते हैं, इस्लामाबाद के जो हुक्मरान है, आपके आईएमएफ और अमेरिका के गुलाम हुक्मरान, उनको भी बता सकते हैं, चीन तुम्हारी जमीनें छीनता है। उस वक्त मीर कौर, मीर गजन फर ने स्टेटमेंट दिया, इंटरव्यू दिया उस दिन, कहा कि मेरे वालिद से जबरदस्ती दस्तक कराया गया, जब हम 52% की आबादी को दबा के रखेंगे तो तुम्हारी जमीन तो क्या, तुम्हारी जमीन तो पहले बिक चुकी है, तुम्हारी जमीन तो क्या तुम्हारे हड्डी के अंदर से गोदमी खाया जाएगा, किधर से खत्म होगी, किधर खवातीन को अमल में लाया जाएगा। इसके लिए लड़ाइयों की जरूरत है, बहुत अहम एक जदोजहद की जरूरत है। यहां पर हम समझते हैं खवातीन को खुद से अमली तौर पे आपको सियासत में आ जाना, खुद से लड़ाई लड़नी होगी, कोई आपको नहीं देगा, याद रखें, भाई भी चाहेगा नहीं देगा, भाई कहेगा मैं मेंबर बनूं यूनियन काउंसिल का, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, आपको खुद से लड़ना होगा, इन्हें में आके लड़ना होगा। और हम मुतालिबा करते हैं पाकिस्तान के आइन में या गिलगित-बल्तिस्तान का आर्डर नहीं है, पाकिस्तान का आइन ऐसा नहीं है, सेनेटर्स ने कहा बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं, ऐसे धड़कन वाला आइन के हिस्सा नहीं है, हमें फख्र है, जहां औरतों को जिंदा तकूर करने पे डिप्टी चेयरमैन सेनेट बोलता है कि मैं अपने कानून को छोड़ता हूँ, मैं अपने कबायली रिवायात के साथ खड़ा हूँ, सेनेटर जान मोहम्मद जमाली साहब को 6 औरतों को जब बलूचिस्तान में जिंदा दफन किया था, ऐसे आइन के हिस्सा नहीं है, हमें शुक्र है, हमें कोई परवाह नहीं है ऐसे आइन के हिस्सा बनकर खुद को मरवाने के लिए, कम अज कम बचे हुए बलूचिस्तान के पीके इस्लामाबाद देखो, साथियों को मारकर, नवाज शरीफ को मारकर, इमरान खान को मारकर, जिया को मारकर, मुशरफ को मारकर, एक इंसानियत ही नहीं है ऐसे लोगों के साथ जहां खूनखार जानवर रहते हो, हम हिस्सा नहीं है, हम शुक्र अदा करते हैं। मेरी बहनों, हम समझते हैं हम अपनी जदोजहद को लेके आगे चले, अवामी वर्कर पार्टी का एक अदना सा कारकुन की हैसियत से ये यकीन दिलाता हूँ, हर फोरम पे, हर जगह में खवातीन की बहादुरी के साथ नुमाइंदगी के लिए हम अपना जदोजहद जारी रखेंगे। वसलाम के साथ। तो हमने, मेरे मोहतरम अपन ने यहाँ यास्मीन काकी ने फरमाया कि हमें पाकिस्तान के सेनेटर्स ने कहा कि हम जो नया उस वक्त का एक बेहतरीन बलदियाती निज़ाम मुशरफ के दौर में यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में उसके तहत एक गैप होता है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए वी विल हैव टू सीक सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, इस टू वे लर्निंग प्रोसेस, कुछ हम आपसे सीखते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन हम आपसे शेयर करते हैं। आई एम वेरी मच कन्फ्यूज, कि मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हुई कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, तो जो मैं समझा हूँ इस प्रोग्राम से कि हम कैसे विमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स को इंश्योर करा सकते हैं और फिर उनको दरपेश चैलेंजेस को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द पर्पस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन। तो मैं अपने तौर पे जो एक एक्सपोजर, बिकॉज मैं खुद भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा और जिस भी पार्टी से रहा हूँ, तो हर इंसान को यह हक हासिल है कि वो अपना एक आइडियोलॉजी खुद चूज करे, और मैं इसको सोच समझ के पढ़ के अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर मैं पॉलिटिक्स में चला गया,
वहाँ पे विमेन विंग होती थी और उसकी मुकम्मल पार्टिसिपेशन हर हर एक्टिविटी के अंदर होती। और उसके बाद हम दीगर कंट्रीज की एग्जांपल्स भी देते हैं, डिफरेंट सेक्स की जब हम बात करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि बिफोर कमिंग टू माय टॉपिक मैं थोड़ी सी बात इस चैलेंजेस से रिलेटेड करना चाहता हूँ। देखिए, दिस इज माय बिलीफ कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। कि सबसे ऐसा है कि जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ बहुत सारे मर्द भी आते हैं, ख्वातीन और अपनी अपनी बात करते हैं, वहाँ पे अपना मौकूब सामने रखते हैं और हर कोई ये कहता है कि ख्वातीन को खास तौर पे जो है आपको छोड़ दे तो आप वो फिर दोनों साथ ही ना यही है। बैठिए बैठिए, आपकी हिम्मत करने में हर लोगों को सिलेक्शन करना कमीशन अप्रूव हुआ है तो उसके अभी चेयरपर्सन की हायरिंग करनी है, ठीक है। हायरिंग करने के लिए जाहिर है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम अथॉरिटी चीफ सेक्रेटरी है, इसलिए उसको जिम्मेदारी दी। ऐसा नहीं है कि जी कमीशन का चेयरपर्सन